देखें जी, मैं राना अहमद दस्तगीर, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कबूतरों की वैक्सीन का तरीका। ये देखें, ये लसोटा है, एंडी लसोटा, ये बाहर का इम्पोर्टेड है। ये इसे खोल लिया है, ठीक है, बाज़ दफ़ा ये खुलते नहीं है टिक्के ना इंजेक्शन, इसलिए मैं जंबूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखें, ये खुल गया, इसको खोल के ये इसे खोला है, और पानी ले लेना है आपने उबला हुआ, जितने आपके परिंदे हैं, यानी कि आप ये आप 1000 कबूतरों को पिला सकते हो, 1000 कबूतरों को, तो उतना पानी ले लेना जितने आपके परिंदे हैं। मैंने लिया है 1/2 लीटर और मैं उसमें डालूंगा ये पूरा इंजेक्शन। आप 1000 कबूतरों में पिला सकते हो, इस पानी को बढ़ा भी सकते हो, जितने आपके कबूतर है ना आप उतने, जैसे 1000 कबूतरों का पानी लगता है ना, 5 लीटर पानी लगता है या 4 लीटर, आप उसमें डाल सकते हैं इसे, ठीक है। आपने इसको ऐसे करना है, पानी में डुबोना है, ये डुबोया, ये अंदर पानी गया, इसको हिला लिया, अब ये मिक्स हो गया, अब ये आसानी से हल हो जाएगा। ये देखिए, आपने ऐसे सूरज भरनी है, उसके बाद ना आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया, ठीक है। अब आपको मैंने नाम भी बता दिया वैक्सीन का, इस वैक्सीन से पहले आप जेंटल पिला दें, पेट के कीड़े ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बाज़ लोग, बहुत सारे लोग मुझसे बता कर रहे थे, अहमद भाई आप कौन सी वैक्सीन करते हैं, कौन सी करते हैं, उनके इतने कमेंट्स थे, जिन जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया था, मैं आज उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं आपको कबूतर पकड़ के ना दिखाता हूँ कि किस तरह से उनको पानी पिलाना है। ये मेरा सबसे पुराना कबूतर है, सफेद कलदुमा, ये देखें सफेद कलदुमा, तकरीबन 12 साल हो गए इस कबूतर को। ये देखें, वैक्सीन पिलाते रहो ना 3 महीने के बाद, कबूतरों में कोई भी बीमारी नहीं आएगी, जब वैक्सीन आप पिलाते रहेंगे कबूतर बीमार भी नहीं होंगे। इधर आए भाई जान, ये हमारे बहुत ही अच्छे शौकीन भाई हैं और मेरे कबूतर भी उड़ाते हैं। ये आपने ऐसे ना इसे, सिर्फ आपने ना इस पानी को 10 cc पिलाना है, सिर्फ इस पानी को आपने ना 10 cc पिलाना है, और इंशाल्लाह आपको ना तब्दीली नज़र आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी कबूतरों में, और कबूतर इंशाल्लाह फिट रहेंगे।